हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं आपके लिए ओरियो बिस्किट पुडिंग आइसक्रीम कप, जो बनाने बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है आज की। स्पेशली आपके बच्चों के लिए लिया है हमने यहाँ पे एक छोटे वाला ओरियो का बिस्किट पैकेट, जिसमें निकलते हैं 5 बिस्किट, और बस इनके बीच की हमने क्रीम को अलग कर देना है और बिस्किट्स को हमने कर लेना है अलग। मार्केट में आपने बहुत खाई होगी ओरियो की आइसक्रीम, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर के साथ और बहुत ही इजी तरीके से हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप झटपट अपने घर पे ही ओरियो की आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। बिना गैस चलाए हम हमारी इस आइसक्रीम को बनाने वाले हैं, जिसे आपके बच्चे भी बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे ही बिस्किट्स की क्रीम को कुछ इस तरह से नाइफ से अलग कर लिया है, और बिस्किट्स को लेंगे हम एक मिक्सी जार में, एक फ़ाइन पाउडर, बिल्कुल फ़ाइन चूरा हमने इसका बना के तैयार कर लेना है, और निकाल लेंगे सारा ही ये जो पाउडर है एक बर्तन में, और बस एक चम्मच पाउडर हमने अलग निकाल के रखना है और सारा पाउडर हम एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर कर लिया है, एक चम्मच अलग निकाल दिया है और सारा हमने ले लिया है एक इस बर्तन में। यहाँ पे हम ले रहे हैं अनसॉल्टेड बटर, या आप घी का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर लिया है, 2 चम्मच करीब अनसॉल्टेड बटर हमने इसमें ऐड करना है, और बस बिल्कुल अच्छे से हम बटर को मिक्स कर देंगे हमारे इस बिस्किट के चूरे के साथ। इससे हमारी इस पुडिंग आइसक्रीम में बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। तो बिल्कुल अच्छे से हमने बिस्किट के पाउडर के साथ बटर को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे ले रहे हैं 2 कप, जिनमें हम हमारी इस आइसक्रीम को सेट करने वाले हैं। आप यहाँ पे इस तरह के कांच के कप भी ले सकते हैं, चाहे तो आप डिस्पोजल वाले कप भी ले सकते हैं, या आप किसी भी तरह का बर्तन, यहाँ पे कटोरी भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके बेस पे थोड़ा थोड़ा सा पाउडर डालते हुए 2 कप में सेट कर दिया है सारा ही पाउडर। ज़्यादा कप आइसक्रीम बनानी हो तो आप बिस्किट का पैकेट ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बस एक छोटे वाला बिस्किट का पैकेट लिया था, यानी 5 बिस्किट से हमने यहाँ पे 2 कप पुडिंग आइसक्रीम बना के तैयार करी है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसे प्रेस करते हुए हमने इसे सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं अच्छी लेयर हमने इसकी बना दी है नीचे बेस के ऊपर, और बस इसे 10 मिनट के लिए हमने रख देना है फ्रिज में। इतने हम हमारी और तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमने ली है बिल्कुल चिल्ड 1/2 कप अमूल फ्रेश क्रीम, मिक्सी जार में ऐड करेंगे बस कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, बस कुछ सेकंड के लिए हमने इसे चला देना है, और बस उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे और इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/2 कप अमूल क्रीम के लिए पूरा 1/4 कप पिसी हुई चीनी, यानी चीनी का पाउडर, 2 बूंद यहाँ पे हमने ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस की, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे बिस्किट की जो क्रीम थी वो भी सारी क्रीम यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हमारे इस आइसक्रीम पुडिंग में आने वाला है हमारे इस बैटर से जो हमने बना के तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से सारी ही चीज़ों को हमने चला दिया है, एक स्मूथ बैटर हमारा बन के हमारे पास आ गया है। 10 मिनट के लिए हमने हमारे कप को फ्रिज में रखा था, जिससे कि ये नीचे वाला बेस अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल भी इस सारे लिक्विड बैटर को एब्जॉर्ब ना करे। अब ये बिल्कुल नीचे से अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब आप देख सकते हैं जब हमने डाला है हमारा लिक्विड बैटर इसके अंदर, तो बिल्कुल भी नीचे वाला जो बेस है, यानी बिस्किट का बेस, इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। जो 1 चम्मच बिस्किट का पाउडर हमने बचा के रखा था, वो सारा ही पाउडर यहाँ पर हम डाल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये पुडिंग आइसक्रीम, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारा ही पाउडर से इसे गार्निश कर दिया है, साथ में ही यहाँ पे रख रहे हैं 1-1 ओरियो का बिस्किट। आप चाहे तो हाथ से थोड़ा रफली तोड़ के भी इसे रख सकते हैं। हमने पूरा 1-1 बिस्किट दोनों ही कप के ऊपर रखा है, और इन्हें हमने एक पोली से, या आप चाहें तो फॉइल पेपर से इसे कवर कर सकते हैं, जिससे कि जब हम इसे फ्रीज करेंगे तो बिल्कुल भी बर्फ़ की लेयर, बिल्कुल भी आइस की लेयर हमारे इन कप के, हमारे आइसक्रीम के ऊपर ना आए। तो यहाँ पे हमने पन्नी से इन्हें कवर कर दिया है, और पूरे 4 से 5 घंटे के लिए इन्हें फ्रीज करेंगे, जिससे कि हमारी आइसक्रीम सेट हो जाए। और हमने हमारी इस आइसक्रीम को पूरे 5 घंटे के लिए अच्छे से फ्रीज करा है, और आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम के ऊपर बिल्कुल भी आइस की लेयर नहीं है, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी आइसक्रीम सेट होकर तैयार हो चुकी है। नीचे वाली बिस्किट की लेयर बिल्कुल अलग है, उसने बिल्कुल भी हमारे ऊपर वाले क्रीमी पोर्शन को एब्जॉर्ब नहीं करा है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पुडिंग आइसक्रीम हमारी बनकर हुई है तैयार। चलिए तो फ्रेंड्स, 1 कप मेरा बेटा ले जा चुका है, बस 1 कप ही बचा है। इसमें से आपको दिखा देते हैं कि हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर के साथ बनकर सर्विंग के लिए तैयार है, और आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर के साथ हमारी ये पुडिंग आइसक्रीम बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, एक बार हमारे कहने से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।